हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। एक बार स्पैम कमेंट जय माता दी कर दो। वेलकम बैक टू माय चैनल, हियर वीके सिंह। आज से नवरात्रि का पहला दिन है, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। स्ट्रेस टेंशन तो किसको नहीं रहता भाई, बट मेरे को कुछ ज़्यादा ही था, रात को सोया नहीं। एंड हाँ, तो थोड़ी सब बातें मम्मी के लिए। पहले बेलपत्र, बेल का पत्ता तोड़ते हैं ताकि मम्मी पूजा कर पाएँ। ये सही है मम्मी के लिए। अभी चलेंगे कोचिंग, तो आज डॉक्टर नहीं आएगा, आज वो कोचिंग नहीं आने वाला है, हम ही लोग चलेंगे, मतलब मैं और आप। क्या ही सीन हो रखा है, मतलब रात को मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था एंड अभी भी हूँ। अपनी परेशानी, मेरे भाई दीनदयाल की परेशानी, मतलब नवरात्रि है और मैं मंदिर ना जाऊँ। वैसे तो मैं डेली जाता हूँ, मतलब ऐसे भी अगर मैं ना जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो मंदिर नंबर वन एंड मंदिर नंबर टू। वैसे दो तीन मंदिर और जाऊँगा, तो वो स्कूल से आने के बाद जाता हूँ या फिर स्कूल जाने से पहले, लेट्स सी कब जा पाता हूँ। वैसे चलेंगे तो साथ ही में, आप लोग भी चलोगे। वैसे अब 9-10 दिनों तक मंदिरों पर काफ़ी भीड़ रहने वाली है, तो या सोचा बता दूँ। अरे भीड़ है, चलो चलते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं व्लॉग यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा कुछ दिनों तक। एक्चुअली भीड़ देख के मेरा व्लॉगिंग का कॉन्फिडेंस जाता नहीं है, बट हाँ घर के पास जब रहता हूँ, अपने लोग रहते हैं अगल बगल, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। अदरवाइज अनजान लोगों के बीच में व्लॉगिंग कर लेता हूँ, बट जाने पहचाने लोगों के बीच में नहीं हो पाता भाई, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट हाँ ये रियलिटी है मेरी। चलो कोचिंग चलते हैं, और वो भी शॉर्ट्स में, तो लेट्स गो। एंड बस अकेले ही चलना है। वेल कोचिंग आ गया और राज भाई भी आया, बस चलो कोचिंग में साथ साथ वास्तव आते हैं, तब कैमरा ऑन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वैसे तो मज़ा ही नहीं आता। वेल आज कोचिंग में लग रहा है कोई आएगा वाएगा नहीं, बस दो एक मैं तीन लोग हैं और कोई है नहीं। टोटल कितने लौंडे लपाड़े हैं कोचिंग में? 10 से ज़्यादा हैं। अरे वही 15 लड़के हैं, लड़के लड़के मिला के 15 हैं, बट तीन ही लोग आए हैं। शशांक जी आ गए भाई, शशांक जी आ गए, मतलब क्या ही बात है। है तेरी कुछ नहीं, रेफरी आता है उसके रूल्स पता है, सिटी मिल गया तो सिटी है, बस मजा आ रहे थे और कुछ नहीं। वैसे कल शशांक जो है रेफरी बना था कबड्डी का, वही बातें हो रही हैं, बस सीटी गले में लगा के चू चू बजा रहा था। आई जा आज बज नहीं रहा है अभी, बजा बजा बजा, कान से खून आ गया क्या बेटे? हाँ कान से खून आ गया, चलो सर आ गया। मैं दुर्गा मंदिर के गांव वाले से, तो मैं आ गया, अभी चल रहे हैं हाटा के मंदिर पे, उसके बाद स्कूल जाएंगे। टाइम देख लो थोड़ा सा, 8:15, आने जाने में आधा घंटे छोड़ लो। बट मंदिर है, नवरात्रि का पहला दिन है, जाऊंगा ज़रूर जाऊंगा, लेट्स गो। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलते हैं सूरज को आने, तो सूरज गया है घर पर है, आ रहा है तो चलते हैं। सूरज आ गया, ये रहा, चलो मंदिर चलता है हाटा वाले पे, जहाँ पे अतुल का घर है, लेट्स गो। अभी वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, पहुंच के दिखाता हूँ। फाइनली फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे विद सूरज। अबे यार ऐसे लाइट नहीं आ रहा फेस पे, सूरज इधर है ना, तो लाइट नहीं, सूरज इधर है देखो काला हो गया, इसीलिए मैं ऐसे व्लॉग करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पर लॉक लगाया गया, वैसे आप ऐसे देख लो, मैं दर्श कैमरा पकड़। हनुमान जी भी इधर दिखा, यहाँ पे हनुमान जी भी है, कैमरा ऊपर ऐसे पकड़ा करना, इधर लाइट आ रही है,
मेरे गुरु हैं दादा हनुमान। दिखाना है गुरु। और ये मेरे गुरु के भी गुरु हैं। चला जा। मजा आया। मेंटल पीस। हाँ तो मैं समझ आता है। भाई आंखें नहीं खुल रही, मतलब धूप इतनी तगड़ी है कि अब सही है। धूप इतनी जहरीली हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही है। चलो घर चलते हैं। अब स्कूल भी भागना है। वैसे मेरे टीचर मिल गए थे, मैं था धीरज सर मिल गए थे। कह रहे कब स्कूल जाओगे? हम कहे कि बस सर आ ही रहे हैं, आप पहुंचिए, दो मिनट का रास्ता। चलो वेल कवर पे देखो, दीनदयाल आया। स्कूल निकलता हूँ, फटा से कपड़ा चेंज करता हूँ, लेट हो रहा हूँ। गाइज स्कूल से आया, आज भी देखो दोनों गीला पड़ा है एकदम, मेरा पैंट तक गीला पड़ा है। पहले एक ही मेरे पे ड्रेस है ये ब्लू कलर का, इसको पहले वो मतलब वॉश करता हूँ मशीन में और फिर कोचिंग निकलता हूँ। पहले वॉश कर। यह बहुत बहुत परफेक्ट फ्रेम है। वैसे मेरा डेली अमेजोन से या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऑर्डर आते रहते, या फिर कोई स्पॉन्सर वाला भेज दिया या कोई ऐसे ही, मतलब यू नो। तो आज आया है, मैंने खुद मंगाया था, ये मेरा फेवरेट चीज़, इसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आई विल शो यू कि मेरा फेवरेट चीज़ है क्या एंड दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मिरर क्यूब। तो फाइनली ये आ गया और इसको मैं दिखाता हूँ, मतलब एक मिनट निकल जाए यार, फोन से वापस थोड़ी निकलना है। देखो दिस इज मिरर क्यूब। तो इसका ऊपर वाला लेयर अलग होता है, साइड वाला अलग होता है, और मतलब सब अलग होता है। इसको ऐसे घूम रोटेट करोगे, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा मेरे को ये, और स्मूथ भी है। तो ये अनसॉल्व हो गया और कुछ शिया, ये काफ़ी ऑसम लगता है मेरे को, इसलिए मैंने मंगाया। और पहले तो भाई मैं एक बंदा था उसका मैं मांग के लाता था, फिर मैं बनाता था और मैंने सीखा था उस पर, और ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके साथ मेरे को मिले हैं ये कुछ, अंदर है बबल्स, ये बबल्स फोड़ने में काफ़ी मज़े आते हैं। बस इतना ही था। अब कपड़ा जो है मेरा सूख रहा है, तो सूखने देते हैं और इसको मैं लगाता हूँ ऐसे ही। मैं अभी सिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ईजी है इसको, कोई सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। वेल आप भी कर सकते हो। पहले आपको 3x3 जो रूबिक क्यूब होता है उसे सॉल्व करना आना चाहिए। सेम पैटर्न पे ये भी सॉल्व होता है, मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। 5:07 हो गए, कोचिंग जाने का टाइम हो गया। चश्मा इसलिए लगाया हूँ भाई, धूप में मेरी आँखें नहीं खुलती है, लिटरली आँख खुलेगी नहीं। और हाँ, तो मेरा नया वाला मिरर क्यूब। और वैसे पैदल पैदल निकल जाएंगे, धूप कितनी जहरीली है, तो बिना चश्मा लगाए मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, इसलिए चश्मा मतलब शीट्स मेरे को काफ़ी ज़रूरी हैं। मतलब क्या ही बताएं मैं आपसे, मेरा बस चले तो भाई मैं स्कूल चश्मा लगा जाऊं यार। मैं इसलिए नहीं कि मैं हीरो बनना चाहता, नहीं भाई, मेरी आंखें नहीं खुलती, मेरी मजबूरी है। चलो कोचिंग में मिलते हैं। कोचिंग में आ गया, सर आए नहीं थे, तो सर को कॉल करके सर जल्दी आइए, कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे क्या। एंड ससांग वसांग अभी तक आए नहीं, वो सब निकल गए हैं, आ रहे हैं। एंड ये सो फार सो वेरी गुड। यस, तुम्हारा भाई की बॉडी दिखाता है, मतलब फ्लैक्स बाजी, आज का तो वीडियो वही था ना, कोचिंग में फ्लैक्स बाजी। आई विल शो यू, ये देखो देखो शॉर्ट्स, देखो फोन जाया है, टी शर्ट, एंड यस सो फार सो वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद माय फिजिक। देखो एक्चुअली मैं चश्मा लगाने का ब्लॉग करने में अच्छा चीज़ है, जैसे मैं लेंस में देख के ब्लॉग करना रहता है, चश्मा लगा के मैं स्क्रीन में देख के ब्लॉग करता हूँ, तो फ़ायदा है ना, अदरवाइज मुझे ऐसे ब्लॉग करना पड़ेगा। और इसको लगाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा अब मैं देख किधर रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ है। ससांग जी जा रहे हैं, हम चलते हैं भाई। आँखों में नींद है भाई, आँखियाँ जल रहा है, लिटरली जल रहा है, चश्मा उन्हें लगा आँखियाँ जल रहा है।
बाकी ऐसा नहीं खुलता है। एक घंटा पावर नैप ले लो। या नहीं एक्चुअली रात को सोया नहीं हूँ ना, तो ये देखो आँखें खुलेगा भी नहीं, डायरेक्ट सन को धूप आ रही है देखो। चल चलते भाई, लेट्स गो। पावर नैप। हाँ पावर नैप जा रहे लेने, चलो निकालो अपनी मिलिट्री वाले लेते हैं। हाँ चलो हम भी चल रहे हैं पावर नैप लेने, लेट्स गो। मैं जल्दी जल्दी में उनका ऑर्डर लगाने गया था, मैं उठ के वहाँ से आया हूँ, एक स्लीपर उनका एक स्लीपर मेरा, पता नहीं क्या ही करते रहता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं और वर्कआउट करते हैं, तगड़ा वाला, काफ़ी दिनों बाद तगड़ा वाला वर्कआउट करते हैं अब।